हेलो गाइस, वेलकम टू सैम गेमिंग। PMTH पबजी मोबाइल टूर्नामेंट H4K डे 4 हमारा, मैच नंबर 8 रेंगल का हमारा मैप एंड 19 टीम 75 प्लेयर्स हमारे ज्वाइन किए हैं इस गेम को। प्लेन पाथ की बात कर लें, प्रीमोस्ट टू मिल्टम हमारा प्लेन पाथ है। टीम्स की बात करो तो 77 SC H4K वन हम रो मेजर CHB बॉब CHB 2.0 रेडिकल डायर मोब TWT टेजर्स 1 HP रेड थंडर स्किंग XR टीम ब्रेव एंड फोनेक्स। एक प्लेयर का मैं टीम फोनेक्स में, बाकी सारे के सारे प्लेयर्स 90 टीम 75 प्लेयर्स के साथ अपने ड्रॉप लेना स्टार्ट कर देंगे। टीम 77 ऐसी क्वेरी के छोटे छोटे कंपाउंड से वो लूटती है, वहीं पे अपना ड्रॉप ले चुकी है। वो फेरीपियर लूट करती है, वो वहाँ पर जा रही है। एंड CHB 2.0 जो क्वेरी के मेन कंपाउंड्स और उसके पास वाला कंपाउंड जो राइट हैंड साइड के रहते हैं वो लूट करती है, वो वहाँ पे अपना ड्रॉप ले चुकी है। रेडिकल टारर स्मॉल सिटी ऑफ जॉर्जियोपोल जाती है, वो वहाँ से ड्रॉप ले रही है, अपना कैरी कर रही है। मेजर क्या आज जॉर्जियोपोल जाएगी, क्योंकि ड्रॉप दूर रहता है तो मेजर जाती नहीं है नॉर्मली। लेट्स सी आज क्या रहता है। CHB तो कहीं से भी प्लेन जाए वो तो अपना बिग सिटी जाती है, तो वहीं पे बहुत सारी टीम्स कैरी कर रही हैं व्हीकल के लिए। 1 HP की बात करो तो वो भी यहाँ कैरी कर रही है गटका के, ऑलमोस्ट वो पहुँच चुकी है कंपाउंड। CHB भी उन्हीं के साथ, रेडिकल टारर भी उन्हीं के साथ, यानी कि 3 टीम्स तो यहाँ कैरी कर रही हैं। इट्स मीन मेजर यहाँ पर नहीं आई है, मेजर थोड़ा आगे से उतरी है क्वेरी के एरिया में। उनके पास में टीम रेज भी व्हीकल लेना चाहती है, फोनेक्स भी व्हीकल लेना चाहती है, तो 3 टीम्स 3-3 के स्प्लिट में क्या ही यहाँ से पैरासूट से आगे ग्लाइड कर रही हैं और अपने ड्रॉप्स लेने के लिए व्हीकल्स का तलाश करेंगी। व्हीकल्स की ही बात कर रहा था, रेज कर्मा को एक बग्गी मिल चुकी है, हिटमैन गुरु उनके साथ हैं। टीम रेज के हिटमैन अभी पैरासूट में ही ग्लाइड कर रहे हैं। टीम मेजर्स की बात करो तो कंपाउंड मेजर्स वाले उतरे हैं, मेजर जैद भी कंपाउंड पहुंच चुके हैं, मेजर हम्माद को एक बग्गी मिल चुकी है, मेजर एजम अभी गन लूट कर रहे हैं, यानी कि मेजर हम्माद बग्गी बॉय बग्गी पकड़ेंगे। टीम मेजर्स को अभी एक ही बग्गी मिली है। रेडिकल डारर की बात करो तो कंपाउंड लूट कर रहे हैं ट्रैकुला RR क्यू रोलेक्स, यार रोलेक्स तो पूरा ओपन में दौड़ रहे हैं। लीजेंड को शायद से वो बग्गी मिलेगी या नहीं अभी देखते हैं। टीम ब्रेव की बात करो, छोटे छोटे कंपाउंड मिलिट्री बेस के वो लूट करेंगे। पोचिंग के अंदर बहुत सारी टीम्स है, टीम टेजर्स है, टीम मोव है, टीम TW है। कल भी टीम मोव वर्सेस TW हमें देखने को मिला था, फाइट बेशक नहीं हुई थी बट पोचिंग की दोनों स्क्वाड्स आए थे, बट आज भी यहाँ पोचिंग की आएंगे ये स्क्वाड्स। यहाँ मोव की टीम क्या ही खेल रही है, ये हमारा मोव के 1 टॉप फ्रैगर्स में नंबर 1 है, मोव के 3 प्लेयर टॉप 5 में फ्रैगर्स में हैं। टीम्स की बात करूं तो #1 पर टीम मोव है, #2 पर जो टीम है उसके हाफ पॉइंट भी नहीं है। या फुल डोमिनेशन दिखा रही है टीम मोव अपना इस टूर्नामेंट में। हमारी पहली ही बार हमारे स्क्रीम शो टूर्नामेंट में आई है टीम मोव और वहाँ पहली ही बार अपनी फुल डोमिनेटिंग गेम प्ले अपना दिखाती हुई टीम मोव, स्पेशली मोव AK, मोव आईवीर एंड मोव खरबार। ववे आई थिंक सो उन्होंने बताया था मेरे को, बस इतना ही हो तो सही है जी। हाँ ववे भी आज यहाँ पे माइटी ओपी की जगह नज़र आ रहे हैं। कल के तीनों गेम माइटी ओपी नज़र आए थे। H4 के लिपोप का लूट करेगी टीम XR, वहीं उन दस साइड टीम शेल्टर का एरिया वो लूट करती है, प्रिजन एंड शेल्टर लूट करेगी। और टीम किंग जो कैरी करेगी स्नाया बोलियाना मिल्टा लूट करेगी टीम रो, लेकिन टीम वैनम वर्सेस टीम थंडर्स नज़र आया था कल भी और शायद आज भी। थंडर्स के 2 प्लेयर्स आए हैं लूट करके, AKM की पड़ रही है यहाँ, सुब्स ने डैमेज दिया लेकिन स्कल की AKM करके जाएगी थंडर्स के माइथ को नोक, सुब्स के रिवाइव देने का ट्राई करेंगे जहाँ सुब्स रुके जरूर हैं। स्कल ने नोक दिया, इंस्टेंटली फिनिश भी डाल देंगे M16 के साथ। अब यहाँ सुब्स रुके हैं अपने M16 NDP लेकर, क्या दूसरी साइड से सैजी की पड़ेगी सुब्स को, लेट्स सी यहाँ पर क्या रहने वाला है। सुब्स जो एक अपनी बाइक से कैरी कर रहे हैं, सैजी पीछे पहुँच चुके हैं। टीम थंडर्स यहाँ वैनम लूट करती है स्प्लिट में, टीम थंडर्स उनका मुश्किलात डाल सकती है। अभी स्कल के ऊपर क्या क्लोजिंग आएगा, यस सीधा सैजी के ऊपर क्लोजिंग चला जाएगा। अभी के लिए थंडर्स कर रही है फ्लैंग नहीं यहाँ पर रोटेशन डाली है लूट करने के लिए। CHB 2.0 का एक प्लेयर इतनी दूर, आई थिंक सो वो ऑफलाइन था, दैट्स व्हाई वो मिल्टा पावर का एरिया नज़र आ रहा है। टीम थंडर्स एक अर्ली यहाँ पर रोटेट करती हुई 3-man स्क्वाड रहेगी यश गोडोपी एंड सुब्स के साथ। मेजर अपना ड्रॉप पहुँच चुकी है, CHB अभी पहुँच रही है, रेडिकल टारा अपना ड्रॉप पहुँच चुकी है, फोनिक्स अपना हॉस्पिटल का ड्रॉप लेने वाली है, गटका 1 HP लूट करेगी। बाकी टीम्स तो अपने अपने ड्रॉप्स लूट कर रही हैं, बट टीम थंडर्स कहाँ जाके रुकेगी वो अभी देखने वाली बात है। या इतने अर्ली विदाउट इतने ज़्यादा लूट लिए टीम थंडर्स कैरी ही करती जा रही है व्हीकल्स के साथ। XR के सरकार यहाँ नीचे ही हो रहे हैं, बाहर आए हैं वो स्प्रे देने के लिए, साउंड सुने भी पूरे पूरे आए होंगे। XR के जीलियस एंड किंग
NP007 या CHB के आकाश ओबी को नोक कर दिया यहाँ, जो ब्रिज क्रॉस करना चाहते थे बाबा ने उनको नोक कर लिया है। अपनी UMB के साथ फिनिश ऑफ डालने का ट्राई, जो कि वो कर भी लेंगे पूरा। यहाँ टीम CHB अपना बिग सिटी जा रही थी, वहाँ रोटेट करते हुए एक अच्छा यहाँ पे एक अली पहुँचना उनका ये अच्छा हो गया। लेकिन वेजिटो पे भी ऑलरेडी काफ़ी लो किए गए हैं, लेकिन वो दूसरी साइड से आए, शायद से उनको टीम मेजर्स ने वो डैमेज दिया है। टीम CHB जोन के अंदर भी नहीं है, गेम को 5 मिनट हो गए, उसके बाद अपना बिग सिटी जो काफ़ी टाइम तक वो लूट करती है वो लूट करेगी। मेंशन जाके रुकी है टीम थंडर्स, खैर रुकी तो जहाँ भी रुकी, H4 के स्मोकी उनके काफ़ी क्लोज लूट कर रहे हैं, विलन भी उन्हीं के काफ़ी क्लोज में ऑफलाइन बैठे हुए हैं प्रिजन में ऑफलाइन। अनबिलीवेबल गाइस, या प्रिजन के एरिया में ऑफलाइन या एक्सा डेडली उनको क्लोज अगर उधर से कर जाएं वो लूटने के लिए, तो यहाँ विलन नोक एंड फिनिश ऑफ देखेंगे। फिलहाल वॉरियर एंड रियो का लिपोगा के कंपाउंड्स लूट कर रहे हैं ATL। टीम CHB 2.0 का ATL जहाँ पकड़ना तो चाहते हैं अपनी टीम को वो, बट उस टीम को पकड़ते पकड़ते अपना किल ना दे बैठे हैं, क्योंकि टीम को जोन में भी आना है, में भी वेट कर सकते थे। टीम रो जो मिल्टा लूट करती है वो उनका किल जरूर लेना चाहेगी अगर वो मिल्टा का पाथ चूज कर रहे हैं तो। आई थिंक सो वो कर भी रहे हैं मिल्टा का पाथ चूज, फिलहाल उन्हें व्हीकल मिली है। रो लव क्या स्पोर्ट करेंगे, या बिल्कुल रो लव को साउंड आया होगा, साउंड तो आया है बिल्कुल, रोलव उनके करीब है। ATL ने जो गाड़ी पकड़ी है, रोलव की AKM चलने वाली है, वहाँ पे अकेला प्लेयर है रोलव। यहाँ एक वी एक में ये स्प्रे देने वाला है, जी हाँ बिल्कुल स्प्रे देने वाला है ATL को, AKM-6X का प्रोन डाउन होके। बट ATL अभी के लिए बच के जाएगा, उसकी व्हीकल थोड़ा फंसेगी, ये फंसी व्हीकल फंसा काम ना कर जाए। फिलहाल क्लाउस रोकी एंड बॉन्ड भी रोलव के साथ, यहाँ रोलव #2 है आफ्टर Day 3 के टॉप फैगस में, 3 kills पीछे हैं मोव AK से। थर्ड पोजीशन पे है टीम मोव के आईवीर, फोर्थ पोजीशन पे है मोव के खरवर, एंड फिफ्थ पोजीशन पे है टीम रेडिकल डारा ड्रैकुला। टीम्स ने अपने अपने रोब्स लूट कर रही हैं, मेंशन टीम थंडर्स नहीं आती है नॉर्मली, वैसे अब आई है लूट कर रही है यस सुब्स एंड गोडोपी के साथ। ब्रेव के प्लेयर्स पूरा मिलिट्री का जो रहता है ना पूरा एज लूट कर रहे हैं वो, इसके कंपाउंड मैन मिलिट्री नहीं जाना चाहते शायद उन्हें लगता है प्लेयर्स हैं। फिलहाल ब्रेव के 40 रेशमा ओपी विच्छू YT एंड ब्रेव टीम 77 ऐसी फ्लैग टूटू की स्प्लिट में खेल यहाँ जोन में पकड़ना चाहेगी, लूट भी ले रही है धीरे धीरे। यहाँ बग्गी गैंग ही नजर आ रही है, इनकी भी बग्गी ही नजर आ रही है, इन दोनों प्लेयर्स पे पास भी फियर एंड जैक, दूसरी साइड है कैरी एंड डेल्टा आई थिंक सो, जो एक डासिया से है। यहाँ टीम मोव एक अली रोटेट करती हुई पोचिंग के अंदर से फिर से यहाँ पे फाइट को इग्नोर करके स्टार्टिंग में बहुत काम नजर आती है मोव की टीम फाइट लेते हुए, बेशक इनके ड्रॉप पे कहीं भी ये जाए वहाँ पे ड्रॉप पे प्लेयर्स आते हैं, लेकिन मोव स्टार्टिंग में बहुत कम फाइट लेती है। फिलहाल मोव का एक अली रोटेट आता हुआ जोन के अंदर, और मोव के प्लेयर यहाँ जंप करके चल दी गाड़ी से, थोड़ा डैमेज तो पड़ेगा मोव के घर बाहर। आईवीर एंड AK अभी रुके थे यहाँ पे, AK एंड भवे रुके हैं लूट के लिए रुके हैं, आईवीर एंड खरबार आगे जा रहे हैं। यहाँ इनफ लूट उनको मिली नहीं है वो चिकिंग के अंदर, एड ऑफ फर्स्ट जो नॉर्मल ड्रॉप आ रहा है हमारा, वहाँ पर टीम CHB 2.0 का एक सोलो प्लेयर है MK लेवल 3 हेलमेट वेस्ट बैकपैक के साथ है उसके पास ATL, क्या इसे एड ऑफ को लूट करने की इच्छा में है, पूरा ओपन में है अभी ATL, कंपाउंड्स जा रहा है, टीम मूव के प्लेयर्स लूट कर रहे हैं, कोई ज़्यादा वीडियो का नहीं। लेकिन वनम ब्रिज के पास वाले कंपाउंड्स वो पहुंच चुकी है, वैनम सैजी साध हंटर एंड स्कल मेजर्स के प्लेयर्स मेजर सवाले एजम जैद हम्माद, चारों ही प्लेयर्स द बग्गी गैंग। सवाले के पास अभी कोई गाड़ी ही नहीं है, एजम के पास बग्गी, जैद के पास डासिया, हम्माद के पास बग्गी, और आई डोंट नो सवाले क्यों नहीं जा रहे, मेजर सवाले आई थिंक सो ऑफलाइन है भाई, ऐसा जोड़ जो पुल में कौन ऑफलाइन होता है भाई। हेलो हेलो बदमाश ओपी नोक हुए टीम CHB 2.0 के, साइक ने उनको नोक दिया है, या साइक ने निंजा ओपी को भी DP28 के साथ नोक दे दिया। बैक टू बैक 2 नोक्स ऑफ टीम TW, टीम CHB 2.0 बिल्कुल आई थिंक सो वो क्लोज करना चाहेगी। फिलहाल साइक जो यहाँ पोजीशन अपना एक रिजिस का लेके बैठे, सडी रेक्जी ने भी स्पोर्ट किया यहाँ पे प्लेयर TW टॉक्सिक ओपी को, और क्या ही स्पोर्ट हो रही है TW बदमाश छोपी का ATL किल कन्फर्मेशन लेते हुए क्लोज में जाते हुए। यहाँ पे साइक भी जम 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 के जा रहे हैं आगे की ओर ही, पीछे काजी फारूक का जो वहाँ पे आई थिंक सो
स्पॉटेड हैं जी नहीं ऊपर ही प्लेयर्स स्पॉटेड निंजा ओपिन के जस्ट नॉक पड़े हुए हैं नीचे फिनिश ऑफ डालेंगे यहाँ पर साइक ऊपर मौजूद है टी डब्ल्यू टॉक्सिक कॉपी राइट हैंड साइड में काजी फारूक का जो एक बीटी पोजीशन दे सकते हैं या नहीं अभी के लिए तो एक जगह होल्ड करे हुए हैं वो लूट ले रहे हैं एटीएल आगे रुके हुए हैं शायद टी डब्ल्यू के प्लेयर्स को टॉक्सिक कॉपी को वहाँ पे एक साउंड जी हाँ साउंड वाला सिस्टम चलता हुआ टीम सी एच बी 2.0 आई थिंक सो यहाँ पर चढ़ती नजर आएगी टीम टी डब्ल्यू के ऊपर या साइक आगे जाते हुए लेकिन टीम 77 ऐसी इस फाइट का मजा ले सकती है क्योंकि एटीएल है यहाँ पर साइक थोड़ा क्लोजिंग कर रहे हैं 77 ऐसी अपर साइड आ चुकी है एटीएल थोड़ा फॉल बैक करते हुए वो नहीं चाहते यहाँ से कोई मुश्किल खड़ी करना या सी एच बी 2.0 फॉल बैक करती हुई लेकिन टी डब्ल्यू टॉक्सिक कॉपी के पीछे 77 ऐसी की बढ़ सकती है वहाँ देखना होगा 77 ऐसी के फियर उनकी ओर ध्यान बनाए हुए हैं जी हाँ फेयर का ध्यान जरूर उनकी ओर है फिलहाल टीम सी एच बी 2.0 यहाँ से करती हुई फॉल बैक क्योंकि ऊपर टीम स्पॉटेड होना एक सही टाइम पे फॉल बैक आई थिंक सो मेरे हिसाब से आ गया वरना एक और फाइट जो नहीं बनती वो इंगेज हो सकती थी सी एच बी 2.0 की ड्रॉप्स नंबर टू एयर ड्रॉप नंबर टू मेंशन के काफ़ी करीब लिपोप गा के भी कह सकता हूँ छोड़ के लूट कर सकती है इस ड्रॉप को ऑग लेवल 3 हेलमेट वेस्ट बैक पैक के साथ एक ए आर एक्सटेंड आया है एचफोर के काफ़ी करीब है वो ये एयर ड्रॉप सी एच भी लूट कर रही है रेडिकल टायर लूट कर रही है मेजर के सवाले अभी ऑफलाइन है जोन के अंदर अभी भी रो बोंड 360 स्कल को नोक करेंगे टीम रो वर्सेस वैनम फाइट स्कल नोक हुए हैं वैनम के बट इंस्टेंट रिवाइवल उनको मिल रहा है टीम रो जो मिल्टा के अंदर है फाइट यहाँ पर वैनम के साथ इंगेज होगी उसकी रिजिस पे है सैजी भी K9 के साथ है रोबोंड भी K9 के साथ है K9 वर्सेज K9 जैसे डैमेज पड़ा था रोबोंड को भी वो अपने आप को हील कर रहे हैं बैंडेजेस के साथ फर्स्ट जोन हमारा क्लोज इन हो रहा है उसी के साथ न्यू जोन ऑन द वे गाइस और न्यू जोन देखते हैं कहाँ फेवर करता है किस टीम को फेवर करता है जी हाँ पूरा जोन बनता हुआ मिड सर्कल में है टीम वैनम एंड टीम रो या पूरा जोन फार्म मिल्टा शेल्टर और नोवो का एरिया इधर फेवर करता हुआ अभी का जोन तो बता रहा है कि ये ब्रिज पे बनने वाला है हार्ड ऑडिशन आ ले तो फिलहाल देखते हैं यहाँ पे किसका गेम रहता है शेल्टर के पास टीम मोव होल्ड कर रही है तो वहाँ पे टीम एक्सआर भी है मौजूद यानी कि टीम एक्सआर वैसे मूव हो सकता है सारी टीम्स आउट ऑफ द जोन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे एक जोन बनता हुआ काफ़ी इंटरेस्टिंग जोन ये बनता हुआ जी हाँ पहली बार इस टूर्नामेंट में हमारा जोन नज़र आ रहा है कि इस पार या उस पार यानी कि ब्रिज वाला सीन वरना पूरे गेम अभी तक हमारा आठवां गेम है और इस आठवें गेम में शायद से हमारा थर्ड एंगल है या थर्ड एंगल है और इस थर्ड एंगल में अभी तक पिछले दोनों ही एंगल में जोन जो बना था वो अलग ही लेवल का बना था वैनम से इस बार रोबोंड से K9 वर्सेस K9 में देंगे फटका यहाँ खुद को भी उनको डैमेज पड़ेगा बट अपने आप को फर्स्ट एड अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं वो फिलहाल देखते हैं यहाँ पर टीम सी एच बी रेडिकल टायर का रोटेशन जोन में आ रहा है टीम रेच बी अली रोटेट करती हुई मेजर्स के प्लेयर्स भी ये जो जोन है बोप के प्लेयर्स की बात करो तो वो हैं यहाँ पे व्हीकल्स सॉरी बोप के प्लेयर्स एक क्रॉस कर चुके हैं फायर रिपेयर से जी हाँ उन्हें भी लगता है कि वहाँ से जोन पूरा हार्डशिप लेता रहेगा और ब्रिज की उस साइड बनेगा फिलहाल वैनम जो अभी जी हाँ ब्रिज के कंपाउंड होल्ड करे हुए स्कल भी अपने व्हीकल्स लेके पीछे आते हुए सहज ही अकेले मौजूद इस स्क्वाड हाउस के अंदर K9 बॉय अभी मौजूद है साथ पीछे जाते हुए स्कल एंड हंटर यहाँ कंपाउंड रहने वाले हैं यानी कि 2-2 की स्प्लिट में खेलेगी वैनम पीछे टेजर आ चुकी है टेजर के साहिल मेजर एंड हिरेन प्ले जोन से मेजर वाले नॉक होंगे फिनिश ऑफ भी हो जाएंगे उनका नेट का स्कैम ही ऐसा टेजर के प्लेयर्स आएंगे स्प्रेड डालेगा यहाँ पे स्कल की ओर से स्कल नॉक करेंगे मेजर को और यहाँ पे एक टू बैक टू बैक नॉक दे दिए टीम टेजर्स के इस बार वैनम साथ ने एक नॉक दे दिया एक टेजर के प्लेयर ने यानी कि टेजर के दो नॉक हो चुके हैं टेजर के दो ही प्लेयर्स बचे हुए हैं अब साहिल पीछे से लेकिन यहाँ पर रो के प्लेयर्स मार रहे हैं उनको साहिल एंड बुगी ओपी बचे हुए हैं मॉब के प्लेयर्स का क्लोज इन होता हुआ यहाँ साहिल ने एक नॉक दिया जरूर है मॉब का लेट्स सी यहाँ पर क्या रहता है मॉब के भवे नॉक हुए हैं फिलहाल एल एफ मेजर का किल यहाँ पे स्टील होता हुआ मुफ के आई वीर की ओर से टीम वैनम का किल था नॉर्मली आगे आते हुए जी और साइक वैनम से मुफ करवार को नोक करेंगे एंड बोब डीएसआर के आल्सो गेट नॉक डाउन जी और साइक को भाई सैम्बा इस पर टिकट करियो हेलो ठीक है भाई कर लूंगा मेजर कौन सा
आप मेरी स्पेक्टेट कह रहा हूँ, स्पेक्टेट स्पेक्टेट करो, फिलहाल मोफ के स्पेक्टेट। आईवीर को यहाँ गिनेट के साथ नोक करा जाएगा। मोफ के प्लेयर्स की मुश्किल बढ़ती हुई यहाँ। मोफ भवे अकेले प्लेयर बचा हुआ, मोफ भवे भी नोक हो जाएगा। मोफ एक ही लास्ट में सर्वाइवल, फर्स्ट एड अपने आपको लगा रहा है, लास्ट प्लेयर बचा हुआ है। टीम ए यहाँ टेजर क्लोज इन करती है, मोफ भवे के पास भी यूज ही है, दोनों तरफ से पड़ेगी। मोफ गेट एलिमिनेटेड, टेजर्स ने यहाँ पर बहुत अच्छा एलिमिनेट करा हुआ। टेजर्स के ऊपर थर्ड पार्टी होती हुई टीम रो के ऊपर एक फर्स्ट टीम मोव आज एलिमिनेट हुई है। वैनम का थर्ड पार्टी, सॉरी जी हाँ वो वैनम का थर्ड पार्टी था, नोडा टेजस का। टेजस के हेरेन स्पॉटेड है, वैनम के प्लेयर्स को कंटिन्यूस प्रेफर दिया जा रहा है। आई थिंक सो नोक होने वाले हैं वो बिल्कुल ही। यहाँ साहिल अकेला प्लेयर बचा हुआ है, ओल पे नहीं बोला था मेरे इतर होगा भाई, सुन लिया मैंने आपको इसका साइक को स्पोर्ट करने के लिए। लास्ट प्लेयर बचा हुआ है, साहिल अकेला प्लेयर बचा हुआ है, मोलोडोल उसके पर आ चुके हैं और यही मोलोडोल काम खत्म कर जाएगा उसका। वैनम की टीम आज चार किल्स उठाती हुई, अग्रेशन गेम प्ले, बट वैनम की टीम का ये रहता है अपने प्लेयर को नोक करने में माहिर। वैनम हंटर को नोक किया गया है, मोलोडोल से रिवाइवल उनको स्किल की ओर से मिल जाएगा। टीम वैनम फर्स्ट फोर किल्स बहुत अच्छे से उठा चुकी है अपनी, 17 टीम 62 प्लेयर्स अलाइव एंड टू टीम्स एलिमिनेट हुई हैं, टीम मोव एंड टीम मोव। पहली टीम ऐसी टीम टीजर, दूसरी टीम जो आज की एलिमिनेट हुई है। जी हाँ बात करते हैं, फिलहाल जे आर साइक यहाँ सी एच बी 2.0 के चारों ही प्लेयर्स अलाइव हैं। AP28 का मारा है सी एच बी 2.0 के प्लेयर्स ने। जे आर साइक यहाँ बाबा टीम फोनिक्स वर्सेस टीम रेडिकल टावर, यहाँ बिल्कुल बाबा को नोक किया गया था, इंस्टेंटली फिनिश को भी डाल दिया गया AP28 के साथ। रेज हिटमैन सी एच बी 2.0 को नोक कर देंगे, लेकिन रेज हिटमैन ऑल्सो गेट नोक डाउन बाई ATL। साइक की DP28 यहाँ पर क्लोज इन होके यहाँ पर पूरा स्पॉट लेने का ट्रेंड। यार रेज हिटमैन नोक हुए हैं यहाँ पे, 17 टीम 61 प्लेयर्स बचे हुए हैं। टीम सी एच बी 2.0 के प्लेयर्स यहाँ फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। रेज को रिवाइवल मिल रहा है, रेज के प्लेयर्स को हिटमैन को फ्लड। रेडिकल टारर की फाइट कंटिन्यू रहने वाली है टीम फोनिक्स के साथ। टीम फोनिक्स 3-man स्क्वाड ही थी, लेकिन टीम रेडिकल टारर को भी उन्होंने 3-man कर दिया, नोक दिया है ड्रैकुला ने। आई थिंक सो क्लोज इन नहीं, जी नहीं क्लोज इन नहीं कर रही है। रिवाइवल मिल चुका है, फिलहाल जोन क्लोज होगा इस बार, हमारा न्यू जोन बनेगा हमारा। लेट्स सी यहाँ पे क्या जाता है, मेरे हिसाब से दोनों तरफ बनने। अरे भाई हार्डशिप ले गया टीम ब्रेव एंड बॉब। बॉब के लिए स्पेशली बोलूँगा मैं यहाँ से, बॉब के लिए थोड़ा स्कैम होता हुआ क्योंकि बॉब ने रोटेट किया था वहाँ मिलिट्री बेस का एरिया, ब्रेव ने तो लूटा ही है। तो अब ब्रिज क्रॉस करने में इतना हार्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ ब्रिज कैम्प कोई करने वाला है नहीं। फिलहाल मोव रेज के प्लेयर को नोक दिया है साइक ने फिर से, या इस बार साइक ने नोक दिया है टीम सी एच बी 2.0 के साइक ने, और टीम रेज के ऊपर क्लोज इन कर रही है टीम। या इंस्टेंटली रिवाइवल रेज हिटमैन की ओर से मिलता हुआ टीम रेज के ऊपर क्लोज इन आई थिंक सो आ रहे हो। मेरे हिसाब से तो जोन निकल जाएगी सी एच बी 2.0। XR के जीलियस को नोक किया है टीम XR वर्सेस रेडिकल टारर, टू नोक्स ऑफ टीम XR। यहाँ सरकार बचे हुए हैं, सरकार रोलेक्स और रेडिकल टारर को ड्रैकुला को स्पोर्ट किया था, उन्होंने ड्रैकुला को किल कन्फर्मेशन नो डेडली लेते हुए। रोलेक्स अकेला प्लेयर बचा हुआ है, लीजेंड भी है सॉरी, रेडिकल टायर के दो प्लेयर्स हैं, लीजेंड एंड लीजेंड पीछे से जाएंगे, डेडली का किल कन्फर्मेशन लेंगे। लीजेंड पीछे प्रोन डाउन है, रोलेक्स नोक करेंगे नो डेडली को भी यहाँ से किल कन्फर्मेशन, सॉरी दूसरे का लिया था यहाँ पे। टीम XR का प्लेयर्स की मुश्किल बढ़ाते हुए टीम रेडिकल टायर के दोनों ही प्लेयर्स फिलहाल पीछे से पड़ेगी। यहाँ पीछे जो प्लेयर XR का सरकार बैठा हुआ था वो अकेला अभी के लिए अपनी टीम के लिए लाइव है, एक नोक करेगा। एंड यहाँ से एक क्लोथा प्लेयर बचा हुआ है, क्लोथा ही प्लेयर रोलेक्स है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है। यहाँ मिनी के साथ टैप फायर्स वहाँ पे बग्गी बैठते ही दिए गए थे। अभी के लिए अपने प्लेयर को रिवाइवल देने का ट्राई करेगा ऐसा सरकार, किल कन्फर्मेशन लेने का पूरा ट्राई यहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल किल ले लिया उन्होंने, रिवाइव का कोई मौका ही नहीं। रोलेक्स अकेला बचा हुआ है, आई थिंक सो वो निकलना चाहेगा या फाइट लेना, जी हाँ बिल्कुल फाइट लेना चाहता है। नॉट डेडली नॉक पड़ा हुआ है अभी तक, सरकार को रिवाइवल मुश्किल ही है, सरकार उसको रिवाइवल दे पाएंगे या स्मोक वो कर रहे हैं अपने प्लेयर को बचाने का ट्राई, शायद से उनका रहने वाला है कि हाँ आ जाए तो बेहतर। वैनम सेज ही गेट नॉक डाउन बाय रो के लव के, वो मिनी 14 काम करके जाएगी जो नॉक करेगी। या सेज ही को नॉक किया है, रिवाइवल देने के लिए प्लेयर आ चुके हैं, वैनम हंटर एंड स्कल पीछे की ओर मौजूद हैं फिलहाल। तो अभी जोन की एज पे है टीम वैनम, 17 टीम 57 प्लेयर्स बचे हुए हैं। टीम मेजर जोन में रोटेट कर रही है, जैद फिर से रुक गए क्या, अब जैद ऑफलाइन हो गए जी, नहीं व्हीकल है उनके पास, जोन में रोटेट कर रही है सारी टीम। 1 HP एज खेलती हुई है, 4 के एक दूसरे एज पे बैठी हुई है। फिलहाल नो डेडली का किल कन्फर्मेशन हो चुका है यहाँ पर रोलेक्स को 1v1 में। XR सरकार वर्सेस आरआर की रोलेक्स, यानी कि रेडिकल टायर और XR दोनों ही टीममेट्स एक एक प्लेयर के साथ हैं, दोनों ही प्लेयर्स एक एक
दोनों ही टीम्स के एक एक प्लेयर के साथ। लेट्स सी यहाँ पे कौन प्लेयर होगा अपनी टीम को जो आगे लेके जाने वाला। एक्सेस का पीछे का प्रोनाउन हो गए। रेज हिटमैन यहाँ पे वीकर डेस्टोड के साथ लॉर्ड फोनिक्स का किल लेते हुए। जी हाँ, रेज हिटमैन को एक किल तो यहाँ से मिल चुका है। मेजर से प्लेयर का रोटेशन आता हुआ जो ये सीधा ब्रेप के प्लेयर पानी से जाना चाहते हैं। नोवो की ओर से व्हीकल लेके शायद से बोब जाना चाहती है और एच4 की वहाँ वेट कर सकती है। जी हाँ, एज ऑफ द जोन H4 के बैठी हुई है। मे बी पॉसिबल वो वहाँ से पीछे से जो टीम वो बिना व्हीकल के आएगी तो वहाँ फाइटिंग एज होती नजर आई उनके दोनों के बीच। फिलहाल रो के प्लेयर्स की बात करूँ, रो के प्लेयर्स पीछे ध्यान दे चुके हैं क्योंकि टीम फोनेक्स भी मिल्टा में आ चुकी है। बैनर भी एज ऑफ द जोन है जिससे जी मैं बात कर रहा हूँ। मेजर का रोटेशन सीधा ब्रिज से एज पे जाता हुआ। ब्रिज के एज पे क्या वो ब्रिज वाले बंदों को किल्स उठाना चाहती है टीम मेजर? जी हाँ, आई थिंक सो मेजर किल के लिए जा रही है यहाँ। अगर वो होल्ड करेगी तो पक्का किल के लिए जा रही है। अभी तो एज पे आके रुक चुकी है तो मेजर के प्लेयर्स अभी होल्ड करेंगे। टीम ब्रेव जो जोन में आप बिना शायद से बोट से, जी हाँ बोट से आ रही है टीम ब्रेव। ब्रेव के प्लेयर को पड़ी भी थी अभी काफ़ी हद तक। ब्रेव चाहती है दूसरी साइड से सीधा जोन में एंट्री लेना। लेट्स सी वहाँ मेजर के पास मेरे हिसाब से किल नज़र आने वाले हैं। जी हाँ, मेजर पे किल नज़र आने वाले। पीछे से उनको जैसे ही आवाज़ आएगी बोट की तो वहाँ किल जरूर नज़र आएंगे। यहाँ बोट्स के साउंड आ चुके हैं। मेजर हम्माद की DP 28 यहाँ करेगी स्प्रे डाउन। लेट्स सी यहाँ पर क्या रहने वाला है। स्प्रे जा रहा है हम्माद का और अभी तक नहीं मिला। जैद का भी यहाँ से स्प्रे भी कर लेते हैं। किल मिलेंगे और यहाँ किल मिलेंगे मैडम साजी को। ओह भाई अनबिलीवेबल। जी हाँ, लेकिन इस बार व्रेप का ही प्लेयर, जी हाँ मेजर हम्माद को इस बार दो किल मिलेंगे। एक किल वैनम सैजी को, एक प्लेयर ब्रेव का अभी भी बचा हुआ है आई थिंक सो। जी हाँ, विश्वा ओपी जो जंप कर गई एक वोट के पीछे जोन के अंदर होल्ड करेंगी। 17 बैंडेजेस उनके पास हैं। 17 ही टीम्स बची हैं। जोन क्या ही स्कैम ले रहा है भाई। फोर्थ जोन हमारा बन चुका है। फोर्थ जोन 50% से भी ज़्यादा जोन पानी के अंदर है। जी हाँ, ये थोड़ा स्कैम वाली ही बात है। 50% से भी ज़्यादा जोन, अच्छा 17 टीम्स और 52 प्लेयर्स लाइव हों और वहाँ पर आधा जोन आपका पानी में बन जाए। मेरे हिसाब से रेशमा वाइटी अपनी टीम को पोजीशन पानी के अंदर ही दिला सकती हैं। फिलहाल रोकेला फोनिक्स के ओला को नॉक करेंगे। अकेला प्लेयर फोनिक्स का बचा हुआ था उसके ऊपर भी क्लोजिंग करेगी टीम रो। बिल्कुल देरी ना करते हो। पीछे से टीम रेज के हिटमैन ने जो DP 28 के साथ स्कैम डाला है वो कराया टीम फोनिक्स के साथ के एक प्लेयर के साथ भी और रोके लव के साथ भी। हिटमैन के पास दो किल्स हैं, टीम रेज के पास दो किल्स हैं। 77 एससी फियर को अदनान नॉक करेंगे। टीम 77 एससी वर्सेस किंग की फाइट आउट ऑफ द जोन। फोर्थ जोन में आउट ऑफ द जोन 40 सेकंड बचे हुए हैं। जोन आपको पकड़ना है। वैनम रोटेट डल रही है, को जोन में रोटेट डालना है। CHB 2.0 के टीम भी फाइट ले रही है। K9 का शॉट दिया है उन्होंने। काजी फरुको को नॉक करेंगे। हैदर को नॉक करेंगे। TW टॉक्सी का ओपी, क्या इंटरेस्टिंग फाइट्स चल रही हैं यहाँ। एक नॉक तुम दो, एक नॉक हम देंगे, उसके बाद क्लोजिंग आप भी नहीं करोगे, हम भी नहीं करेंगे। काजी फरुका नॉक है। TW टॉक्सी का ओपी के ऊपर क्लोजिंग आ रहा है। ये नो बैंडेजेस हीलिंग के हैं। टीम 1HP क्लोज आ रही है। 1HP के एंट्री भी ना ले तो भी बाहर से माना चाहिए। TW टॉक्सी का ओपी में सर्वाइवल 1HP के प्लेयर्स करेंगे और वो लव को फिर से नॉक कर दे रहे जिस मैंने। यहाँ से TW एलिमिनेट होती नजर आएगी। जी हाँ, यहाँ से तो TW एलिमिनेट होती ही नज़र आने वाली थी हमें। फिलहाल H4 के प्लेयर्स वॉरियर नोक हुए हैं, उनको रिवाइवल देंगे जल्दी। लेकिन CHB उनके जस्ट सफर आ चुकी है। जी हाँ, वॉरियर रिवाइव नहीं हो पाए। जिम टोपी ने उनका किल ले लिया पीछे से। फिलहाल CHB पीछे से कंटिन्यू फायर दे रही है स्प्रे अपने प्लेयर को। लेकिन अपूर्व भी को यहाँ पर स्मोकी ने नोक कर दिया जो मुश्किलात बढ़ाने आए थे टीम H4 के की वो नोक हो चुके हैं। स्मोकी क्लोज करके सीधा किल उठाने का ट्राई। रेज हिटमैन की DP 28 क्या ही बोल रही है भाई आज। रेज हिटमैन ओपिंडा चैट गाइस जो AKM से नज़र आते थे आज वो हिटमैन DP ही क्या ही लोग रेंज में चलाते नजर आ रहे हैं। स्मोकी को CHB पोपी का किल कन्फर्मेशन हो जाएगा। रो के प्लेयर्स को तो जीने आराम कर दिया रेज हिटमैन ने DP 28 के साथ। पीछे से किंग के प्लेयर्स ने उन्हें मारा है, दैट्स व्हाई वो होल्ड करेंगे। बैंड उनका हेलमेट जा चुका है। रेज कर्मा 77 SCD के डेल्टा को नॉक करेंगे। रेज कर्मा 77 SC के हिटमैन गुरु फेयर को डाउन करेंगे, यानी कि टीम 77 SC मुश्किल में फंसती हुई। हिटमैन गुरु का जो फ्लैंग है वो काम में आएगा। FPP स्विच कर यहाँ पर बिल्कुल 77 SC के यहाँ वॉल्फो भी करेंगे क्लोज इन। टीम रेज यहाँ पर डोमिनेशन दिखाती हुई 77 SC के ऊपर। जैक का किल कन्फर्मेशन हो चुका है 77 SC का। लास्ट प्लेयर बचा हुआ है कैरी BTF। यहाँ जैक का किल कन्फर्मेशन हो चुका है। कैरी WTF बचा हुआ अकेला प्लेयर है फिलहाल, तो कैरी ही बकिचा हुआ अकेला प्लेयर टीम रेज के सामने ही होंगे। वॉल्फो भी सामने होंगे। AKM का स्प्रे पड़ेगा उनको। वॉल्फो पी ने उनको भी सपोर्ट किया। डेट वाइन पर होल्ड करेंगे, स्प्रे डाउन कर रहे हैं। कैरी अकेला प्लेयर पूरा बचा हुआ है। जोन की बात करूँ तो जोन फिर
CHB 2.0 एज ऑफ द जोन है, टीम 1HP जोन का एज पकड़ चुकी है, बोव एन H4K को पकड़ना है। बाकी टीम सेंडर्स के तीन ही प्लेयर्स हैं लेकिन मिड ऑफ द जोन है, मेजर्स के प्लेयर्स एज ऑफ द जोन है। टीम वैनम जोन में नहीं है, रो जोन में नहीं है, रेज जोन में नहीं है, 77 SC का सोलो प्लेयर जोन में नहीं है। और टीम क्रेज की फाइट अब टीम किंग से होने वाली है क्योंकि यहाँ पे विचकर्मा नॉक हो चुके हैं, रोबोन नॉक हो चुके हैं हैवी केटीआर यानी CHB 2.0 के ग्रेनेड से। ललकर्मा को रिवाइवल यहाँ पे मिलेगा या नहीं, 130 मीटर दूर है जोन में, पीछे से ही पड़ रही है रेज हिटमैन को, अभी के लिए प्रोन डाउन होना ज़रूरी। CHB 2.0 भी यहाँ का फाइट का मजा ले रही है, मिल्टा के अंदर क्या ही फाइट चल रही है, मिल्टा तो टीम रोक का ड्रॉप पॉइंट है तो यहाँ बिल्कुल वो बीटी नहीं लेना चाहेगी। लेकिन ड्रॉप की बात करो तो उनके ड्रॉप पॉइंट के एज पे यहाँ स्प्रे गोड का ग्रेनेड जो 77 SC की कैरी का किल लेके जाएगा फिलहाल। तो यहाँ जोन के बाहर टीम भी नज़र आ रही है, वैनम धीरे धीरे करके पीछे से जोन पकड़ने का ट्राई कर रही है, वो रो की मुश्किल रो यहाँ सैंडविच हो सकती है, ये वैनम भी सैंडविच हो सकती है, पीछे से उनके टीम आ रही है। यहाँ वैनम यहाँ से जोन नहीं पकड़ सकती आई थिंक सो, यहाँ से जोन पकड़ना सामने वाली टीम को क्लियर करके जाना है 1HP vs H4K की फाइट। लेकिन यहाँ पर कैरी रहने वाली है वैनम की फाइट, वैनम के मेजर के हमाद नोक हो चुके हैं, वैनम के प्लेयर्स वहाँ बोप के प्लेयर्स H4K के साथ फिंग आइडिंग है, बोप के प्लेयर्स ने विलन को फिनिश ऑफ कर दिया। लेकिन वैनम सैजी के यहाँ पे एक M4 का जलवा बोलेगा, मेजर जैद और मेजर हमाद का किल, सैजी को दो किल्स जाएंगे, मेजर एजम एंड जैद के DP 28 के साथ स्प्रे पड़ रहा है वैनम के ऊपर भी, या वो शायद से राइट से रिज लेना चाहते हैं, वो बग्गी वाला जो रिज है वो वहीं पर होल्ड करती हुई नजर आएगी अब वैनम। जी हाँ, वैनम के प्लेयर्स की व्हीकल बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, किंग के प्लेयर्स 1HP के प्लेयर का किल कन्फर्मेशन लेते हुए, टीम ठंडास के प्लेयर्स चारों ओर DP चलाते हुए नजर आएंगे अब वो प्लेयर्स जो हैं, तालिस्का का किल कन्फर्मेशन रोके क्लोज लेते हुए, रियोगा वो मर्सी को नॉक करते हुए रो जोन से कटती हुई नजर आएगी। CHB 2.0 को मेरे हिसाब से किल मिलने वाले हैं यहाँ, रो के लव अभी दो प्लेयर्स रो के बचे हुए हैं, रो की वजह हैंड ऑफ डाउन, रो लव इज़ अ लास्ट मैन सर्वाइवल जो प्ले जोन से भी कट रहा है और ये मोलोटोल जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ दो फर्स्ट एड हैं उनके पास और ये फर्स्ट एड भी उनकी लग पाएगी, जी हाँ बिल्कुल लगेगी। फिलहाल जोन पकड़ना चाहते हैं, रोल अप पकड़ पाएंगे कि नहीं वो अभी देखने वाली बात, या पकड़ चुके हैं, डैमेज काफ़ी हैं यहाँ से रोल अप। ऑन अदर साइड वैनम सैजी को ग्रेनेड नॉक करेगा, टीम वैनम के प्लेयर्स अलाइव है, 9 teams 22 players 6 zone है, क्लोज करके टीम CHB 2.0 रोका एलिमिनेट कर देगी, 8 teams 21 players बचे हुए हैं, H4K बॉब किंग 1HP रेज थंडर्स वैनम एंड CHB 2.0 जोन के अंदर है थंडर्स, क्या ही आज यहाँ पे वैनम साथ नोक हुए, थंडर्स के प्लेयर्स के पास फुल चांसेस ऑफ चिकन डिनर, जोन उनके पास है, प्लेयर्स उनके पास हैं। H4K रियोगा का किल कन्फर्मेशन वो फोकस ले लेंगे, स्मोकी जो अकेले बचे हुए हैं H4K के लिए, 7 team 18 players, टीम वैनम के 2 players नोक हैं, 1 revive हो गए हैं, 8 kills है टीम वैनम के पास, मोब के बाद 2 kills हैं, रेज हिटमैन नोक हुए हैं रेज के लिए, अभी वैनम सैजी फिर से नोक हो जाएंगे, इस बार साइक का वो ग्रेनेड गिरेगा, वैनम 7 का किल कन्फर्मेशन, वैनम सैजी नोक, एक और ग्रेनेड यहाँ पर साइक का गिरेगा, फिनिश ऑफ करेगा वैनम हंटर जो सामने ही मौजूद है, लेकिन साइक पीछे से नोक हो जाएंगे, टीम वैनम के हंटर अकेला प्लेयर बचा हुआ है, साइक का किल कन्फर्मेशन भी होता हुआ, वैनम हंटर अकेला प्लेयर बचा हुआ है, स्मोक कर रहा है, उसके पास CHB 2.0 के प्लेयर्स मौजूद हैं, वैनम हंटर के लेफ्ट साइड में आते हो किल यहाँ पर बैरल लेकर, वैनम हंटर नोक तो करेंगे बट पीछे से टीम थंडर्स, थंडर्स तो कहीं भी मौका नहीं छोड़े किल्स उठाने का, वो मर्सी गेट नॉक फिनिश बाय प्ले जोन, टीम 1HP का एलिमिनेशन, 3 teams बचती हैं 9 players के साथ, जी हाँ 3 teams बचती हैं और दोनों टीम्स जोन के बाहर भी हैं। टीम्स थंडर्स ओपी इन द चैट गाइस, क्या ही यहाँ पे जोन प्रिडिक्शन करके वो बैठी थी, लक उनका कह लो बहरहाल, यहाँ CHB 2.0 के प्लेयर टीम CHB 2.0 के प्लेयर्स भी एलिमिनेट होते हुए प्ले जोन के साथ, बॉब का DSR के अकेला प्लेयर बचा हुआ है, टीम थंडर सामने है, 14 kills उनके हो चुके हैं, 15 kills चिकन मेरे हिसाब से नज़र आने वाला है, बॉब DSR के पानी में मज़ा ले रहा है, बिल्कुल उनसे पानी में मज़ा ले रहा है, रिज के सारे खेल सकता है बट कहीं खेलेगा, ऊपर बैठे हुए यस एंड सुब्स गोड़ो भी आते हुए, बॉब DSR के को सपोर्ट कर लिया गया है, टीम थंडर्स के प्लेयर्स आते हुए आ गए, यहाँ यस आता हुआ सुब्स आता हुआ, टीम थंडर्स को बूस्ट मिलने वाला है, न्यू टीम चिकन डिनर के लिए देखने वाली है अभी, यहाँ 15 kill चिकन यहाँ टीम थंडर्स का आने वाला है, बॉब DSR के क्या 15 kill करेगा या उनका 14 kill चिकन डलवा देगा, ये भी एक सोचने वाली बात है, मेरे हिसाब से बॉब DSR के यहाँ 14 kill चिकन भी कर सकता है क्योंकि सेकंड आपको मिल चुका है, आपके सामने 3 players हैं, किल लेने जाओगे तो मिलेगा नहीं, देने जाओगे तो दे दोगे,
हाँ यहाँ बिल्कुल बॉबडी एसआर के किल देने ही गए हैं अपना, बाहर जाके ट्राई कर रहे थे यहाँ पे किल लेने का बट कर नहीं पाएंगे। फिलहाल 15 किल चिकी टीम थंडर्स लेती है। ओपी गेम प्ले बाय यस गुड ओपी सुब्स एंड माय सेकंड पोजीशन पे टीम बो आती है विद 3 किल। फोर्थ पोजीशन पे टीम सीएचबी 2.2 9 किल 1 एचपी आती है। फोर्थ पोजीशन पे विद 5 किल। फिफ्थ पोजीशन पे टीम वानम आती हुई विद 8 किल। फिफ्थ सिक्स पोजीशन पे टीम रेज देन H4K एंड ऑल टीम्स हमारी।